और दोस्तों आपने कई बार मूवी में देखा होगा लोगों के पैर फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते, तब ट्रैक चेंज होता है। देखो इस प्रकार का कुछ मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे पैर डाल देंगे तो देखिए किस प्रकार से पैर फंस जाएगा। ये उधर खिसक जाएगा, पैर फंस जाएगा, फिर पैर को निकाल पाना बहुत मुश्किल है और ट्रेन आएगी और आदमी की मौत निश्चित है। तो यहाँ पर पैर फंस जाता है जब ट्रैक को चेंज किया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकेश शर्मा। दोस्तों अभी मैं रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूं, पूरा मैकेनिज्म आपको बताऊंगा किस टाइप से रेल की पटरी होती है। क्या यार कलाकारी है, देखो सामने से देखेंगे कितना शानदार व्यू है। देखो ऐसे लग रहा आगे जाके बिल्कुल मिल गई, और नीचे कहीं भी फिक्स नहीं है। ये देखो नीचे ये बड़े बड़े खंभे हैं, इन खंभों से जुड़ी हुई है और पत्थरों पे बिछी हुई है। साइड से देखेंगे तो जंग लगा हुआ है, लेकिन ऊपर देखो कितना चिकना सरफेस है। इस पर भागती है रेलगाड़ी स्पीड से, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो लगभग 5 फीट का होता है। तो ट्रेन भागती है, अगर हम बीचों बीच खड़े होकर देखेंगे तो देखो क्या नज़ारा है। ऐसे लग रहा है आगे जाके दोनों पटरियां आपस में जॉइंट हो गई है। तो कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म होता है ट्रेन का। ये खंभे आड़े लगे हुए हैं और इन खंभों को इन हुकों से रोका हुआ है। देखो ये हुक है, यहाँ से खंभे का ये पार्ट लोहे का, इसमें से निकल रहा है, पटरी को रोक रहा है और इधर से घूम के और वापस यहाँ आ रहा है। और कोई सीमेंट या चिपकाने का कुछ नहीं है, बस इन पे ही रुका हुआ है। और दोस्तों देखो जॉइंट किस प्रकार का होता है, देखो दो पटरियों को कैसे जोड़ा जाता है, और इतनी भारी भरकम ट्रेन का वेट ये सह लेते हैं। देखो कितने बड़े बड़े नट बोल्ट लगे हुए हैं, आपको शायद छोटे दिख रहे होंगे, काफ़ी बड़े हैं। और बीच में यहाँ पे देखो बड़े बड़े पत्थर के खंभे लगे हुए हैं, आगे पीछे अगर आप देखोगे तो छोटी साइज़ के हैं और यहाँ पे बड़े बड़े लगे हुए हैं, और इनको भी बीच में लंबे लंबे दो लगों से जोड़ा हुआ है। देखो किस प्रकार का मैकेनिज्म होता है, यहाँ से ट्रेन गुजरती है स्पीड में 100, 125, 150 की स्पीड में गुजरती है और आराम से निकल जाती है, ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होते। तो कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म होता है ट्रेन का। ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताना। एक बार पहले भी मैंने इस टाइप का वीडियो बनाया था, तो मैं ट्रेन की पटरी पे पत्थर रख दिया था और इतनी गालियाँ पड़ी थी मुझे उसके बाद, तोबा तोबा कसम खा ली मैंने, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना क्योंकि खतरा भी हो सकता है सारे पैसेंजर के लिए और ट्रेन के लिए। पर काफ़ी टाइम पहले बनाया था तो इतनी समझ नहीं थी कि ये हमारे देश की संपत्ति है, धरोहर है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब समझ में आ गया, आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा मैं। तो यहाँ से देखो ट्रेन की पटरियाँ टर्न ले ली है, घूम गई है, देखो किस प्रकार से। तो रेलवे ट्रैक के पास इस प्रकार के ये पेटियाँ बनी रहती है, अगर आपको पता है तो बताइए ज़रूर कमेंट में कि ये किस काम में आती है। ये ट्रेन की पटरियाँ हैं और ये बगल में एक अलमारी बनी रहती है, तो इसमें क्या सामान होता है अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। लगभग 2-2 फीट का गैप है इन खंभों में, पर आगे देखेंगे तो बिल्कुल मिल गए, जोरदारी आविष्कार है। ट्रेन भी अपने आप में, ना ही इनके टायर पिंचर होते हैं। तो दोस्तों ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है सामने से, ट्रेन आएगी तो अभी लाइव आपको दिखाऊंगा कि ट्रेन पास से गुजरेगी। दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है जब पास से हम ट्रेन को देखते हैं, आपको भी हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी तो ये नज़ारा भी देख ही लेते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ड्राइवर कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए यहाँ पर रुके। अब ट्रेन आ गई, वो देखो दिख रही होगी आपको सामने ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन है आ गई, पटरियां बहुत तेजी से आवाज़ कर रही है और आई आई आई। वो गई, बाय बाय गई। कम से कम इसमें 28 से 30 डिब्बे थे। जैसे ही ट्रेन पास में आई एक बार तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे देखो लोग पौवे डाल देते हैं पीपी के, रेल की पटरी पे पूरी पटरियाँ गीली हो गई, वॉशरूम जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं अंदर, पूरी पटरियाँ गीली हो गई, यहाँ से फटाफट चलना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है, ये रेलवे की सिग्नल, रेलवे ही जाने क्या चीज़ है ये। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ट्रैक बने हुए हैं, इस पे तो जंग आ रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जहाँ पे ट्रेन का पहिया घूमता है ना वहाँ पे जंग आ रहा है, तो इस पे तो शायद बहुत कम आती होगी ट्रेन, इसीलिए इतना जंग आ रहा है। और ये देखो ये पटरियाँ इधर पड़ी हुई है,
यही काम आती है, अभी साइड में रखी हुई है, जब इनकी ज़रूरत होगी तब शायद इनको यूज़ में ले लिया जाएगा। हमने रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक इंजन भी खड़ा है, देखो यार कितना बड़ा ये इंजन, ये देखो कुंदा, और इसके अस्थि पंजर देखो कितने मोटे भारी लोहे के बने हुए हैं। ये देखो मेरी 6 फीट हाइट है, कंधे तक तो इसका सस्पेंशन ही है। ये देखो शोकर नीचे देखो कितना भारी लोहा है यार, कोई आगे आ जाता होगा कैसे बचता होगा। देखो नीचे के सस्पेंशन, टायर ही इसके यार 5-5 फीट के तो टायर ही है, दूर से तो छोटा दिखता ही। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।